इधर हमास के ठिकानों पर इसराइल की वायुसेना के हवाई हमले जारी हैं। इसराइल की सेना ने गाजा पट्टी में बंदरगाह को निशाना बनाया। इसराइल के इस हमले में गाजा बंदरगाह पर एक साथ बमों की बौछार हो गई। और सामने आए वीडियो में इसराइल की फौज गाजा के बंदरगाह को तबाह करती दिखाई दी। इस हमले के बाद समंदर के अंदर से धुएं का गुबार उठता नजर आया। एक और तस्वीर में एक जहाज आग के गोले में तब्दील नजर आई। हमास के लड़ाकों के हमले के बाद से इसराइल की सेना लगातार पलटवार कर रही है, जिसमें गाजा में हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर वार किया जा रहा है। इसराइल की सेना ने गाजा के अंदर भोजन, ईंधन और दवाओं की एंट्री रोक दी है। इसीलिए इसराइल की सेना ने गाजा के बंदरगाह को निशाना बनाया। इसराइल की इस एयर स्ट्राइक के बाद हमास के लड़ाकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके लिए उसने गाजा पट्टी को रात भर धमाकों से दहला दिया और बिना रुके गाजा पट्टी पर मिसाइलें दागता रहा। हमास के हमले के बाद इजरायल ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर लिया और हमास के लड़ाकों को एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने दी। और गाजा पट्टी रात भर धमाकों से दहलती रही। गाजा पर रात में हुए हमले की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक में तो इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा का पूरा गाजा शहर थर्रा गया। वहीं एक दूसरे वीडियो में रात में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे, जिसने रात के अंधेरे और सन्नाटे दोनों को खत्म कर दिया। एक धमाका तो इतना जबरदस्त था कि कान के पर्दे फट जाएं। इसराइल पर हमास के हमले के बाद गाजा पट्टी के लोगों की हर रात डर के साए में गुजरी, क्योंकि इसराइल ने गाजा पट्टी पर रात के अंधेरे में इतने रॉकेट दागे कि गाजा शहर की सुबह भी काली हो गई। इसराइल के गाजा पर रात में किए गए हमले की जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर लगा कि किसी ने एक साथ आसमान में खूब सारे पटाखे फोड़ दिए हो, जो लगातार गाजा पर गिरते रहे और वहां धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। इधर इसराइल पर हमास के भीषण हमले में अर्जेंटीना को भी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इसराइल में रह रहे अर्जेंटीना के 7 नागरिकों की हमास के हमले में मौत हो गई, जबकि अर्जेंटीना के कई नागरिक इसराइल पर हुए हमले के बाद बचाए गए। अर्जेंटीना के विदेश मंत्री ने इसकी पुष्टि की और वहां से अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का भरोसा दिया। गाजा पट्टी में इसराइल के हवाई हमले में फिलिस्तीन के 3 पत्रकारों की भी मौत हो गई और बताया गया कि वहां एक इमारत को खाली कराने के दौरान तीनों पत्रकार पूरे घटनाक्रम की कवरेज कर रहे थे। तभी इसराइल की सेना ने गाजा पट्टी में एक के बाद एक ताबड़तोड़ बमबारी कर दी, जिसमें फिलिस्तीन के पत्रकार सईद अल तवील, हिशाम अल नवाजा और मोहम्मद सबाह की मौत हो गई।